हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक और न्यू मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ और ये मेकअप ट्यूटोरियल है राजपूती पोशाक के ऊपर। आज मैं मेरा मेकअप ट्यूटोरियल फिफ्थ बना रही हूँ राजपूती पोशाक के ऊपर, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया है, इसलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर दूँगी। मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर फरसाली का गोल्ड ऑयल। स्किन हाइड्रेट नहीं है तो हमारा जो मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा रूखा सूखा लगने वाला है और मुझे मेरा मेकअप रूखा सूखा बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर मेरे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर रही हूँ। और अब मैं फेस पर प्राइमर लगा रही हूँ। प्राइमर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एलिगल प्रो का। ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ प्राइमर है, इससे हमारा जो मेकअप है वो अच्छे से ब्लेंड होता है। हमारा प्राइमर अच्छे से सेट हो गया है और अब मैं मेरा आई मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ। और आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं मेरी आईब्रोज को अच्छे से फिल कर दूंगी, क्योंकि बाद में मेरी अच्छे से फिल नहीं होती, इसलिए तो अब मैं आईब्रो को फिल कर रही हूँ। और आईब्रो को फिल करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ आईब्रो पाउडर टिन। ये बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा है, इसके पिगमेंट्स भी बहुत अच्छे। आईब्रो तो अच्छे से फिल हो चुकी है, अब इस आईब्रो को अच्छे से कॉम्ब कर देंगे जिससे इसमें कोई भी अनइवननेस नहीं रहे। आप इस आईब्रो को अच्छे से कंसीलर से कंसील कर देंगे जिससे ये अच्छी एकदम शार्प लगेगी। इसके लिए यूज कर रही हूँ मैं एकदम फ्लैट ब्रश और एलिगल प्रो का कंसीलर। मैंने यहाँ पर कट क्रीज कर ली है और अब कट क्रीज के अंदर मैं फिल करूंगी एकदम येलो टोन का कलर, तो फिल कर रही हूँ वो वाला मैं। और आउटर कॉर्नर पे मुझे रेड कलर लेना है तो मैं रेड में भी डीप मरून और फिर रेड यूज करूंगी। डायरेक्ट मुझे इस पे रफली अप्लाई ही करना है और अब मैं आउटर कॉर्नर पर रेड कलर यूज कर रही हूँ। आई मेकअप तो डन है दोनों आईज का लगभग, और अब मैं ग्लिटर लगा दूंगी और मेरे इनर कॉर्नर को अच्छे से हाईलाइट कर दूंगी। और हाईलाइट भी मैं येलो कलर के शेड से ही कर रही हूँ, जो एकदम लाइट शेड है येलो का उससे ही मैं हाईलाइट कर रही हूँ। मैं मेरी इनर जो कॉर्नर है उसके ऊपर ग्लिटर लगा दूंगी और ग्लिटर भी मैं इसी शेड का यूज करने वाली हूँ, यानी गोल्डन टाइप का ही येलो शेड में। अब मैं मेरा जो एक्स्ट्रा आई शेडो है उसको रिमूव कर दूंगी। अब मैं फेस पर फाउंडेशन अप्लाई कर देती हूँ और फाउंडेशन में एलिगल प्रो का यूज कर रही हूँ। अब मैं फेस की कॉन्टोरिंग और हाइलाइटनिंग कर रही हूँ। कॉन्टोर के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ एलेगल का कंसीलर। और इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। हाइलाइट के लिए मैं कंसीलर को लगा दूंगी और इसको छोटे ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। और अब मैं कंसीलर को अच्छे से सेट कर दूंगी और सेट करने के लिए अगेन मैं आरसीओ का लूज पाउडर यूज कर। अब मैं मेरे फेस पर ब्रॉन्जर
और ब्लश अप्लाई कर दूंगी। और ब्रॉन्जर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 की पैलेट से। अब मैं इस जो एक्स्ट्रा लूज पाउडर है उसको रिमूव कर दूंगी। मैं इसको रिमूव करने के लिए बिग पाउडर ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अब मैं मेरे फेस पर ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। ब्लश मैं करेक्टर की पैलेट से यूज़ कर रही हूँ और इसमें डार्क रेड टाइप का जो शेड है वही यूज़ करूँगी। और अब फेस की आ जाती है हाइलाइटनिंग। और हाइलाइटर के लिए मैं अगेन यूज़ कर रही हूँ करेक्टर की मैजिक इल्यूमिनाइज हाइलाइटर। गोल्डन शेड यूज़ कर रही हूँ इसमें मैं। और अब आ जाती है आईज की बारी। आईज पर मैं आईलाइनर लगा दूंगी और आईलाइनर मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ शुगर की। मैंने मेरी आईलाइनर लगा ली है और अब मैं मस्करा लगा दूंगी। और मस्करा भी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मुझे इस मस्करा का वर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, यानी बेस्ट लगा है आज तक का। अब मैं काजल लगा दूंगी और काजल भी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर की। अब मैं लास्ट एंड फाइनल तो नहीं बोल सकती, सेकंड लास्ट लिपस्टिक लगा दूंगी। और लिपस्टिक्स में मैं आज यहाँ पर शुगर के दो शेड यूज कर रही हूँ। एक का शेड है 04 और एक का शेड है 06। दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छे हैं। लगभग मेरा मेकअप पूरा ही हो चुका है और अब मैं इस पूरे मेकअप को सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे का यूज़ कर रही हूँ। सेटिंग स्प्रे में यहाँ पर रेवोल्यूशन प्रो का यूज़ कर रही हूँ। ये है हमारा फाइनल मेकअप। अब मैं दिखाऊंगी आपको हमारा फाइनल लुक। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल लुक। आप देख सकते हैं मुझे ये लुक पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। मैंने येलो कलर कभी भी यानी राजपूती पोशाक में वेयर नहीं किया था, तो मैं थोड़ा सा यानी मैं सोच रही थी अच्छा लगेगा या ना लगे। फिर मैंने कहा यार क्या लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो। अगर कर रखा है तो आप मेरे वेल विशर हो, बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर ये लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो कमेंट करना ही है आपको। और किस लुक पर वीडियो चाहिए प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ज़रूर बनाने का ट्राई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।